हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करें कैसे आप फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर एक स्टॉप लॉस ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। जब आप स्टॉप लॉस ऑर्डर क्रिएट करेंगे तो उसके साथ कैसे आप एक लिमिट ऑर्डर को सेट करेंगे जब आप फ्यूचर के लॉट को बाय करेंगे, तो आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। कैसे इसमें मार्जिन आपको मिलता है, कितने परसेंट आपको मार्जिन अवेलेबल हो जाता है एंजल वन की तरफ से, और कितना आपको पे करना पड़ता है इंट्राडे एंड फिर डिलीवरी पोजीशंस के अंदर, तो आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होंगे। आप वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता है कि एक्सपायरी हमेशा इसकी वीकली होती है। वीकली एक्सपायरी होगी और एक लॉट्स के अंदर 15 क्वांटिटी बैंक निफ्टी की होती है, मतलब कि आपको मिनिमम 15 क्वांटिटी बाय करनी पड़ेंगी एक लॉट। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे, बैंक निफ्टी डालेंगे, बाय पे क्लिक करेंगे, तो बाय पे क्लिक करने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ लॉट्स, कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कितना मार्जिन मिलता है। तो मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर आपको पास लिखा हुआ इंट्राडे के अंदर 27x, और सेम आपको कैरी फॉरवर्ड में होगा, मतलब कि डिलीवरी के अंदर सेम आपको 7x। तो 7x का मतलब ये है, अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ हैं तो आप मैक्सिमम 7 लाख तक का फ्यूचर का एक लॉट या फिर जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट बनेगी आप उसको बाय कर सकते हैं, चाहे वो सेम डे में इंट्राडे में हो चाहे फिर कैरी फॉरवर्ड में। आपको पता है कि इंट्राडे के अंदर आप उसको होल्ड कर सकते हैं सेम डे के लिए, और कैरी फॉरवर्ड में इसको होल्ड कर सकते हैं जब तक उसकी एक्सपायरी 27 मार्च, मतलब कि जो हमने फ्यूचर का एक लॉट सेलेक्ट करा हुआ है वो एक्सपायरी 27 मार्च। तो मैक्सिमम टाइम आपके पास ये होगा कैरी फॉरवर्ड के अंदर होल्ड करने का, मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर या फिर डिलीवरी ट्रेडिंग के अंदर। इंट्राडे में आपको पता है कि सेम डे सिक्योर ऑफ करना पड़ेगा। हम उसकी क्वांटिटी की बात करें तो देखो 15 क्वांटिटी एक लॉट के अंदर होगी, मिनिमम आपको एक लॉट बाय करना पड़ेगा। एक्सपायरी आपको पता है कि 27 मार्च की फ्यूचर के अंदर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हमेशा मंथली होगी, सॉरी वो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर होती वीकली एक्सपायरी, बट फ्यूचर के अंदर हमेशा मंथली एक्सपायरी होगी। तो जो नेक्स्ट मंथ, इस करंट मंथ की एक्सपायरी आपको 27 मार्च को इसकी मिलेगी। तो हम बात करेंगे अब स्टॉप लॉस ऑर्डर की और लिमिट ऑर्डर की। अगर आपको बैंक निफ्टी का एक लॉट बाय करना है या फिर आपको जितनी इन्वेस्टमेंट आपकी है उसके अकॉर्डिंग बाय करना चाहते हैं, तो लिमिट, जब आप लिमिट सेलेक्ट करेंगे, लिमिट के बाद उसको सबसे पहले सिलेक्ट करें कैरी फॉरवर्ड में आपको बाय करना है फिर इंट्राडे के अंदर। अगर आपको कैरी फॉरवर्ड में बाय करना तो आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे मैनुअली प्राइस डालें किस रेट पे आपको बाय करना है। यहाँ पे 47,000 पे आप बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैनुअली डालेंगे और बाय कन्फर्म करेंगे। तो जब तक इसका प्राइस 47 नहीं आएगा आपका ऑर्डर पेंडिंग रहेगा। सेम डे के अंदर ये प्राइस आ जाता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होने के बाद या फिर प्री मार्केट में आपको फिर फ्रेश ऑर्डर पुट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात कर, ये आप इस तरह से एक लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, एक ही टाइम पे आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं फिर मार्केट ऑर्डर या फिर स्टॉप लॉस ऑर्डर, क्योंकि वन टाइम पे आप एक ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर हम स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है तो सबसे पहले जब इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो स्टॉप लॉस ऑर्डर का एक ऑप्शन होगा, इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये पूरा पेज ओपन हो जाएगा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस ऑप्शन को ऑन कर दिया तो इस पूरे पेज के अंदर हम स्टॉप लॉस के प्राइस को सेट करेंगे, ना कि बाइंग प्राइस के लिमिट को या फिर मार्केट प्राइस को, क्योंकि एक टाइम पे हम एक ऑर्डर पुट कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस की बात करें तो सबसे पहले आपके पास कोई भी एग्जीक्यूट पोजीशंस होनी चाहिए फ्यूचर की, क्योंकि सबसे या तो आपने इंट्राडे में बाय करा हो जो एग्जीक्यूट हो चुका, पेंडिंग पोजीशन इसमें नहीं एप्लीकेबल होंगी, या फिर आपके पास पोर्टफोलियो में 1-2 डेज पहले आपने कोई भी एक लॉट या 2 लॉट आपने बाय करे थे उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वांटिटी आएंगे, नंबर ऑफ लॉट्स, वो लॉट्स आएंगे जो आपके पास एग्जीक्यूट आपके पोर्टफोलियो में इंट्राडे पोजीशंस के अंदर एग्जीक्यूट है, तो वहाँ मैनुअली आप यहाँ पे डालेंगे। मैक्सिमम उतने लॉट्स डाल सकते हैं जो एग्जीक्यूट हो चुके, और मिनिमम एक लॉट यहाँ पे मैनुअली आपको पुट करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस ऑन रहेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको हमेशा कैरी फॉरवर्ड रख सकते हैं, और ट्रिगर प्राइस एंड लिमिट प्राइस, ट्रिगर प्राइस में वो प्राइस आएगा किस रेट पे हमें स्टॉप लॉस देना है। अगर आपने 47,000 पे बाय करा था आप इसको 46,000 देना चाहते हैं तो यहाँ पे 46,000 डालेंगे, और लिमिट प्राइस में 45,995 डाल सकते हैं, 96 कर सकते हैं, क्योंकि जब दो प्राइस डालेंगे तो फ्यूचर का एक डाउन की तरफ आएगा। डाउन की तरफ आने के बाद दोनों प्राइस में जो भी प्राइस होगा तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, तो आपकी पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी जिससे आपका लॉस ज़्यादा ना हो, इसी वजह से हम दो प्राइस रखते हैं। तो दोनों प्राइस के बीच में जो भी प्राइस जितने पॉइंट का आप गैप रखेंगे उससे ज़्यादा चांसेज हैं कि ज़्यादा आपका जल्दी एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद वैलिडिटी आपकी डे रहेगी, GTT की मैंने अलग से वीडियो क्रिएट करी, आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं और बाय कन्फर्म करेंगे तो इसकी वजह से आप यहाँ पे एसएल को ऑर्डर को पुट कर पाएंगे। उसी तरह आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, एसएल ऑर्डर लगा सकते हैं, आपको कितना मार्जिन मिलता है। तो आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। आपको कोई भी डाउट है फिर आप चैनल पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।